नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं गणपति महोत्सव का एक इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन। इसके लिए खूब सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसका मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा है और टाइपिंग लगभग कार्ड की सेटिंग में ही किए हैं ताकि कम समय में कार्ड के डिज़ाइन किया जा सके। और इधर आप फोटो पैटर्न ये सब देख सकते हैं। इसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है। तो कार्ड दो तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एक लाइट बैकग्राउंड पर और एक डार्क बैकग्राउंड पर। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को ये भी जानकारी मिलेगा कि इस इनविटेशन कार्ड में कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हैं। तो आइए इन सभी को मिलाकर एक कार्ड डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पेज से बाहर कर लेता हूँ। अब हम कार्ड की डिज़ाइनिंग करते हैं। जो कार्ड की डिज़ाइनिंग करेंगे वो मैं 13x19 पेपर में 4 कार्ड सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो एक रेक्टेंगल इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 12.5/2 और यहाँ पर टाइप करना 18.5/2। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपको 4 के साइज का कार्ड मिल जाता है। अब मैं इस सेटिंग में कार्ड बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लाइट बैकग्राउंड में कार्ड की सेटिंग करेंगे। तो इसमें मैं लाइट येलो कलर फिल कर देता हूं और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे इसको ग्रेडियंट भी बना लेते हैं। कीबोर्ड से जी मैंने प्रेस किया और प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ पर कर देते हैं फंक्शन फिल और एलिप्टिकल, और इसको थोड़ा सा और मैं डार्क करता हूँ। इसमें मेजेंटा मिक्स कर देते हैं 10% नहीं बल्कि 5% में मिक्स कर देता हूँ। अब मैं इसी रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें फिल कर देंगे रेड कलर। कीबोर्ड से जी ब्रश करेंगे इसको भी ग्रेडियंट बना लेते हैं और यहाँ पर मैं डार्क कलर फिल करता हूँ। इसमें ब्लैक मैं मिक्स कर देता हूँ 40%। यहाँ पर एलिप्टिकल नहीं रखेंगे, मैं इसमें रख लेता हूँ लेनियर फंक्शन फिल और प्रॉपर्टी बार में ही यहाँ से मैं रिपीट एंड मिरर कर देता हूँ। और अंदर की साइड करेंगे यानी राइट साइड में, यहाँ पर मैं और लाइट कलर कर देता हूँ। यहाँ पर मेजेंटा मैं कर देता हूँ 90%। आउटलाइन नन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको यहाँ पर इसके नीचे ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको थोड़ा सा और लाइट करेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो मैं कीबोर्ड से जी प्रेस कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। अब ये लाइट हो चुका है। इसी का मैं डुप्लीकेट बॉटम साइड में भी लगा देता हूँ। तो इसका एक डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ से हम करेंगे मिरर वर्टिकल। अब रेक्टेंगल को और डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, बी प्रेस करेंगे बॉटम में चला जाता है। इसको मैं इसी के अंदर पावर क्लिप कर देता हूँ रेक्टेंगल के अंदर। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड। अब मैं गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पर सेट कर देता हूँ और ये जो केले का पेड़ है इसको मैं लेफ्ट और राइट साइड में लगा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर की साइड ले जाएंगे, साइज और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और नीचे के साइड से मैं ब्लर कर देता हूं ताकि उसी में मिक्स नज़र आए। तो ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और मैं नीचे के साइड से ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। अब इसी का एक डुप्लीकेट लेफ्ट साइड में भी लगा देते हैं। तो इसी का मैंने एक डुप्लीकेट किया। रेक्टेंगल को सेट करेंगे और एल प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करता हूँ और इसी में पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इन साइड। अब इन सभी मैटर को मैं कार्ड पर रख लेता हूँ। तो कार्ड की सेटिंग में पहले से ही मैटर मैंने टाइप ही कर लिया था। तो इन सभी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और शिफ्ट के साथ तेज़ अप करेंगे। इन सभी का जो कलर है वो मैरून में कर देता हूँ। तो रेड कलर पहले फिल करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसमें मैं मिक्स कर देता हूँ 40% ब्लैक। अब ये मैरून हो जाता है। इसमें से जो हेडिंग है वो मैं मैरून रखता हूँ, बाकी सभी को ब्लू कलर में कर देते हैं, लाइट ब्लू कलर। तो जैसे कि ये जो पतले फॉन्ट में है इसको ब्लू करता हूँ। मैं सियान इसमें फिल कर लिया हूँ। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसमें मैं मेजेंटा मिक्स कर देता हूँ 75, और इसमें आउटलाइन में लगा देता हूँ। तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लगा रहा हूँ बिहाइंड फिल। ओके, आउटलाइन का जो कलर है उसे मैं वाइट कर देता हूँ। अब आपको जिस टेक्स्ट में ब्लू कलर फिल करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जिसमें आपको आउटलाइन और कलर लगाना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब एडिट में जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाता है कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको मैं कई बार यूज़ किया हूं अलग अलग वीडियो में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें आपको सेलेक्ट करना है फिल। फिल मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
आउटलाइन कलर, आउटलाइन का कलर भी आपको सेलेक्ट करना है, और आउटलाइन पिन, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और ओके। और यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ सिंपली, तो आप देख सकते हैं जिस इसको मैंने सेलेक्ट किया था उसमें ये कलर फिल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है, और इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और बॉटम साइड में लाते हैं। अब मैं इन सभी को बाहर से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर से अलाइनमेंट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा सेटिंग और करना है कि ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा आपस में बराबर बराबर स्पेस में रहे। जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी से, इसी प्रकार से इसको भी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर समस्त कार्यक्रम एवं महोत्सव, इसमें मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ सेव टूल से, और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कॉर्नर का मैं डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, और इसमें मैं फिल कर देता हूँ केसरिया कलर। आउटलाइन नन करेंगे और टेक्स्ट का कलर जो है उसे मैं वाइट कर देता हूँ। केसरिया कलर को चाहें तो थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं, तो इसमें मैं 60 की जगह 70 कर देता हूँ मैजेंटा। अब हमारे पास एक डिज़ाइन और है, ये डिज़ाइन इसको मैं विशाल भंडारा के टॉप और बॉटम में लगा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्लस है, तो क्लस को भी यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे और इसी क्लस को मैं लेफ़्ट साइड में भी लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज़ करेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ड्रैग करके मैं लगा देता हूँ इस तरीके से। अब इसको मैं कंट्रोल के साथ ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ और लेफ़्ट साइड में भी लगा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को भी कहीं यूज़ कर देते हैं, तो इस पैटर्न को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और साइज़ इसकी बढ़ा देंगे, और इसमें जो कलर फिल करते हैं वाइट कलर में फिल कर देता हूँ। वाइट नहीं बल्कि इसमें हम इससे डार्क येलो कलर फिल करेंगे, और इसी का डुप्लीकेट करके मैं लेफ़्ट साइड में भी लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा डार्क अभी लग रहा है ये कलर, तो ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 30% पर। अब इसी को लेफ़्ट साइड में लगाएंगे, उसके बाद पावर क्लिप भी कर देंगे। जो ये केले का पेड़ है इसकी साइज हम थोड़ी सी एक का बढ़ाएंगे, मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ और थोड़ा सा तिरछा भी कर लेता हूँ। और टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ 90% पर। 90 नहीं कर रहे हैं बल्कि 80% में कर लेता हूँ, और इसी का डुप्लीकेट लेफ़्ट साइड में भी लगा देते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट कुछ किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं इसी में पावर क्लिप कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इन साइड। अब मैं इसमें आउटलाइन लगा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्स्ट छिपने लगा है, तो इसमें भी आउटलाइन मैं लगा देता हूँ। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं 3-point आउटलाइन लगा देता हूँ, कलर इसका वाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने लाइट बैकग्राउंड में कार्ड की सेटिंग कर लिया है। अब मैं एक लिफाफा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद इसी कार्ड को डार्क बैकग्राउंड में सेट करके आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले मैं एक लिफाफा डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो लिफाफे में कुछ विशेष नहीं रखना है, लिफाफे में इसी मैटर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको अनग्रुप करेंगे और एक्सट्रैक्ट भी कर देते हैं। इन सभी को डिलीट करता हूँ, क्योंकि लिफाफा जो है वो ब्लैक एंड वाइट में डिज़ाइन करेंगे। तो आयोजक का नाम मैं प्रेसक करके टाइप करता हूँ इस बार, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ प्रेसक। ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट कार्ड छाप रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं इसी को लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं विशाल भंडारा को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कार्ड में आपको सभी मैटर मिल ही जाते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैं कॉपी करता हूँ, बाकी इन सभी को डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं केवल विशाल शोभा यात्रा एवं मूर्ति विसर्जन रखते हैं, इसका कलर करेंगे ब्लैक, और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ से मिरर कर देता हूँ। अब यहाँ पर नेम टाइप करने के लिए मैं इसको बना के रखा हूँ, जैसा कि प्रतिष्ठा में श्री युद्ध, तो इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। तो
तो अब एक कार्ड मैं बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड में बना लेता हूँ, बिल्कुल मैरून कलर में। तो इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे। नेक्स्ट पेज इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं पी से पेज के सेंटर में कर दे रहा हूँ और अनग्रुप करेंगे। इसमें मैं फिल कर देता हूँ मैरून कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैरून रखता हूँ और इसमें थोड़ा सा और डार्क में कर दे रहा हूँ। तो सियान इसमें मैं कर दे रहा हूँ 40%। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा और लाइट कर देंगे तो ग्रेडियंट इफ़ेक्ट आपको उभर कर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 नहीं बल्कि मैं कर देता हूँ इसको रेड, और इसमें और डार्क कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके एक बॉक्स और ऐड करेंगे और इसमें जो फिल करता हूँ मैं, यहाँ पर कर लेता हूँ 70% ब्लैक। अब मैं इसको एक साथ सभी का कलर वाइट कर लेते हैं और आउटलाइन नन करेंगे। तो मैं सभी का कलर वाइट कर लिया हूँ, आउटलाइन नन करेंगे। और जो ये हेडिंग है इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो कलर, और थोड़ा सा येलो को डार्क करेंगे। तो कीबोर्ड से मैं जी प्रेस करता हूँ और इसमें येलो कर देते हैं 70% और मेजेंटा कर देते हैं 10%। अब जो हेडिंग है उसमें मैं येलो कलर, यानी जो महागणपति महोत्सव में यूज़ किए हैं, इसी कलर को मैं फिल कर दे रहा हूँ। और इसका कलर जो है इसको फ़िलहाल हम केसरिया ही रखते हैं। यहाँ पर ये जो केले का पेड़ है ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, इसके या तो मोड को चेंज कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें। तो मैं इसका मोड चेंज करके देख लेता हूँ क्या बेहतर लगता है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके मोड को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये जो गणेश जी की प्रतिमा है इसके बैक साइड से अगर कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो मैं पॉलीगनल टूल इंसर्ट कर लेता हूँ, इसका शॉर्टकट है वाई। इसके पॉइंट्स को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मैं कर दे रहा हूँ 20। सेव टूल सेट करेंगे और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। इसमें मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ केसरिया। आउटलाइन नन करेंगे और बेटा मैप भी कर लेते हैं और इसको ब्लर भी करेंगे, गॉसियन ब्लर। तो मैं लगभग इतना ब्लर कर लेता हूँ। उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे और इसकी साइज चाहे तो बढ़ा लें या फिर चाहे तो छोटा कर लें। तो मैं इसकी साइज बढ़ा ही लिया हूँ। अब इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप भी करेंगे, छोटा भी करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हैं। इसमें से मैं कुल मिलाकर 3 फॉन्ट का यूज़ किया हूँ। इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ती देव 361 फॉन्ट है। और इस हेडिंग को अगर सेलेक्ट करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि राज 43 है। और एक फॉन्ट मैंने और यूज़ किया है, वो है ये जो डेट का फॉन्ट है इसका, इसको आप देख सकते हैं राज 16 है। तो इस तरीके से मैंने फॉन्ट यूज़ किया है। ये फॉन्ट आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने 2 कार्ड डिज़ाइन कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।